नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। आम आदमी के लिए यह एकलौती राहत भरी खबर नहीं है, कुछ अन्य मोर्चों से भी आम आदमी को राहत मिलने की खबर आई है। वर्षा बेहतर रहने की उम्मीद है, जिससे किसानों को लाभ होगा और कृषि उत्पादन बेहतर रखने में मदद मिलेगी, तो लोगों को उचित मूल्य पर खाद्य वस्तुएं मिल सकेंगी। दौसा में कुछ ही दिनों से गर्मी ने अपने तेवर दिखाए हैं कि पानी के लिए जाम लगना शुरू हो गया है। ग्राम पंचायत कालोता के खोहरा कला की बैरवा ढाणी में पानी की विकट समस्या होने के कारण दौसा कुंडल सड़क को ग्रामीणों ने जाम कर दिया। जाम लगभग डेढ़ घंटे चला, बाद में पुलिस की समझाइश के बाद जाम खुलवाया। पीएम नरेंद्र मोदी की विदेश नीति ने 9 साल पूरे होने पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में विदेश मंत्री ने गुरुवार को कहा कि दुनिया का एक बड़ा हिस्सा हमें एक विकास भागीदार के रूप में दिखता है। रुपए प्रति लीटर है, कोलकाता में पेट्रोल का दाम 106.3 रुपए जबकि डीजल का दाम 92.76 रुपए प्रति लीटर है। वहीं चेन्नई में भी पेट्रोल 102.63 रुपए प्रति लीटर तो डीजल 94.24 रुपए प्रति लीटर है। प्रभास की मेगा बजट फिल्म आदिपुरुष इस महीने रिलीज होने जा रही है। इस फिल्म को लेकर मेकर्स और फैंस दोनों एक्साइटेड हैं। प्रभास, कृति सेनन और सैफ अली खान की फिल्म आदिपुरुष को रिलीज से पहले कार्तिकेय 2 और द कश्मीर फाइल्स के प्रोड्यूसर की ओर से तोहफा मिला है। दरअसल निर्माता ने आदिपुरुष की 10,000 टिकट खरीदे हैं और श्रीराम के नाम पर दान करने का फैसला लिया है। इस फिल्म को तान्हाजी फेम ओम राउत ने डायरेक्ट किया है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा बंपर जीत दर्ज करेगी। प्रदेश की 80 में से 80 सीटों पर प्रत्याशियों की विजय होगी। जिस तरह से 2019 के चुनाव में भाजपा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बंपर जीत हासिल करेगी। उत्तर प्रदेश के आगरा में इनर रिंग रोड के तीसरे चरण में अधिग्रहित 42 हेक्टेयर भूमि की वापसी के लिए बुधवार को तीसरे दिन सदर तहसील में किसानों का धरना व अनशन जारी रहा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को खून से खत लिखा, जमीन वापसी की गुहार लगाई, भूमि नहीं मिलने पर इच्छा मृत्यु की मांग की है। यूपी की बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में ग्रीष्मकालीन अवकाश की अवधि 26 जून 2023 तक के लिए बढ़ा दी गई है। पहले 15 जून तक ही छुट्टियां घोषित की गई थी। छत्तीसगढ़ में गर्मी से लोगों का बुरा हाल है। राजधानी समेत प्रदेश के सभी जिलों में झुलसाने वाली गर्मी से लोग बेहाल हैं। इस साल 2023 में फरवरी से मार्च तक भीषण गर्मी रही, कई जिलों में अधिकतम तापमान से लू की संभावना बनी रही। बालोद जिला पटवारी संघ के अध्यक्ष लोकेश कुमार साहू ने बताया कि प्रदेश की सरकार अब दमनकारी नीतियां अपनाने पर उतारू हो गई है। यहां पर हमसे बिना कोई चर्चा किए एस्मा लगा दिया गया है। एक बार सरकार को हमसे बात तो करनी चाहिए। इन खबरों में बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ।